हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल सीखने वाले हैं जो स्पोकन में बहुत यूजफुल हैं। पहला है यू बेटर और यू हैड बेटर। फ्रेंड्स, कई बार हमको ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं कि अच्छा है कि आप उससे मिल लें, अच्छा है कि आप उससे बात कर लें, अच्छा है कि आप यहाँ आ जाएँ, अच्छा है कि आप समझ जाएँ। कई बार आपने मूवीज में देखा भी होगा, सुना भी होगा, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई काम किसी को करने के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा है कि आप ऐसा कर लें, अच्छा है कि आप उससे बात कर लें। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है यू बेटर, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। तो अच्छा है कि आप उससे मिल लें, अच्छा है कि आप पूरे के लिए यू बेटर, यू बेटर मीट हिम। अगर ये आपको रूल नहीं आता होता तो आपको इसको बहुत बड़ा सेंटेंस बनाना पड़ता कि इट इज़ गुड या इट इज़ बेटर दैट यू मीट हिम, है ना। तो इतना बड़ा बोलने की बजाय इट इज़ बेटर दैट यू मीट हिम की जगह यू बेटर, क्योंकि यू बेटर का पूरा मतलब हो गया अच्छा है कि आप, है ना। तो इंग्लिश में जितना छोटा यूज़ होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, उतना ही ज़्यादा वो काम का होता है, उतना ही ज़्यादा वो यूज़ में आता है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि यू बेटर अच्छा है कि आप, फिर वर्ब लगाते हो, ऑब्जेक्ट लगाते हो। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे अच्छा है कि आप उससे पूछ लें, अच्छा है कि आप यू बेटर उससे पूछ लें। पूछना क्या हो गया आस्क, और उससे के लिए हिम, तो क्या बना यू बेटर आस्क हिम। अच्छा है कि आप वहाँ चले जाएं, यू बेटर वहाँ जाना मतलब गो देयर, है ना, यू बेटर गो देयर। अच्छा है कि आप यहाँ आ जाएं, यू बेटर कम हियर, बोलते जाइए मेरे साथ। अच्छा है कि आप उसे फ़ोन कर लें, यू बेटर फोन हिम, कॉल हिम, रिंग हिम अप, या मेक अ कॉल टू हिम, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा है कि आप चुप रहें, चुप रहने के लिए भी बहुत सारे वर्ड हैं, या तो बी साइलेंट या फिर कीप में वो हो जाता है साइलेंस, कीप साइलेंस। एक और ऑप्शन है कीप क्वाइट। तीनों का एक ही मतलब है, अच्छा है कि आप चुप रहें, यू बेटर बी साइलेंट, यू बेटर कीप साइलेंस, या यू बेटर कीप क्वाइट। गुस्से से और बोल रहा हूँ कि अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद रखें, तो रखने के लिए कीप तो लगाना ही पड़ेगा, और बंद के लिए शट, तो यू बेटर कीप योर माउथ शट। एक सेंटेंस और देखते हैं कि अच्छा है कि आप मतलब की बात करें। मतलब की बात करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मतलब पर आए, पॉइंट पर आए, है ना। तो कम टू द पॉइंट आपने कई बार सुना होगा, कम टू द पॉइंट मतलब की बात करना। तो अच्छा है कि आप मतलब की बात करें, तो क्या बनेगा बोले मेरे साथ, यू बेटर कम टू द पॉइंट। अच्छा है कि आप समझ जाएं, समझना मीन्स अंडरस्टैंड, अच्छा है कि आप समझ जाएं, यू बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा है कि आप इसे लिख लें, लिखना राइट, और इससे के लिए इट भी लगा सकते हो और दिस भी लगा सकते हो, तो क्या बनेगा यू बेटर राइट इट, या यू बेटर राइट दिस। एक सेंटेंस और देखते हैं कि अच्छा है कि आप अपने काम से मतलब रखें। अपने काम से मतलब रखने का मतलब क्या है, कई बार सुना होगा माइंड योर बिजनेस या माइंड योर ओन बिजनेस, एक ही बात है। तो अच्छा है कि आप अपने काम से मतलब रखें, यू बेटर माइंड योर बिजनेस, या यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। अब फ्रेंड्स, इसमें एक और रूल है कि अगर ऐसा होता है अच्छा है कि आप उससे मिलने की जगह अच्छा होता कर दें फिर, तो एक रूल और है फ्रेंड्स कि यू हैड बेटर। इसका मतलब क्या है, अच्छा होता कि आप उससे मिल लेती। क्या फर्क है फ्रेंड्स दोनों में, कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और ये पास्ट की, अच्छा होता कि आप उससे मिल लेते, ऐसा लग रहा है ना, मतलब पहले मिलना था, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में आपको यू हैड बेटर लगाना है, और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, हेड को देख के थर्ड फॉर्म मत लगा देना। तो यू हैड बेटर मीट हिम, ठीक है। तो अच्छा होता कि आप उससे पूछ लेते, तो क्या बनेगा बोलिए मेरे साथ, You had better पूछ लेते, मतलब ask him, You had better
आस्क हिम। अच्छा होता कि आप वहां चले जाते, यू हैड बेटर गो देयर। अच्छा होता कि आप इस्तीफा दे देते, यू हैड बेटर रिजाइन। अच्छा होता कि आप मेरे पास आ जाते, पास के लिए नियर नहीं है ना, पास के लिए टू, यू हैड बेटर कम टू मी। अच्छा होता कि आप पुलिस के पास जाते, यू हैड बेटर गो टू द पुलिस। अच्छा होता कि आप इसे नोट कर लेते, यू हैड बेटर नोट इट। तो फ्रेंड्स दोनों में फर्क समझ में आ गया, कभी फ्यूचर में भी आ सकता है, तो यू वुड बेटर करना है ना, अच्छा होगा है ना, अच्छा होगा कि आप उससे मिलने, कम ही बोलते हैं, पर अगर कभी बोले तो उसके लिए क्या लगाना आपको, यू वुड बेटर। ठीक है, अच्छा होगा कि आप उससे मिलने, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो यू वुड बेटर मीट हिम। अच्छा होगा कि आप उससे पूछ लें, यू वुड बेटर आस्क हिम। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आए कि नहीं आया। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, मुझे व्हाट्सएप करने हैं, या ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस लिखें। फर्स्ट लिखो, अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ। सेकंड सेंटेंस लिखो, अच्छा है कि आप इस्तीफा दे दें। थर्ड लिखो, अच्छा होता कि आप इस्तीफा दे देते। फोर्थ लिखो, अच्छा है कि आप ढंग से व्यवहार करें। फिफ्थ लिखो, अच्छा है कि आप उससे बात कर लें। तो फ्रेंड्स ये 5 सेंटेंस आपका होमवर्क है, ये आप बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर दें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। गुड बाय।